नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हील बैलेंसिंग के बारे में। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो कार की एक सर्विस पार्ट है, उसमें मेनली ये तीन काम होते हैं, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और टायर रोटेशन। तो व्हील अलाइनमेंट के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में आपको काफ़ी बताया है कि व्हील अलाइनमेंट में हम व्हील के एंगल को सेट करते हैं, जिससे हमें टायर की लाइफ अच्छी मिलती है और हैंडलिंग भी अच्छी रहती है। उसके बाद इस सर्विस का जो दूसरा पार्ट है वो है व्हील बैलेंसिंग। अब ये व्हील बैलेंसिंग क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, वैसे व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट में क्या अंतर है, व्हील बैलेंसिंग पहले कराएं या व्हील अलाइनमेंट पहले कराएं, इस तरह की भी काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूं पहले, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हील, यानी व्हील क्या चीज़ है। व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग जो हम करते हैं, तो सबसे पहले व्हील के बारे में बात करते हैं कि व्हील क्या है। तो देखिए, ये व्हील बना हुआ है आपके सामने, इसमें मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया आपका रिम या एलॉय, जो भी आप कह सकते हैं, किसी गाड़ी में एलॉय होते हैं, किसी गाड़ी में रिम होते हैं। उसके बाद ये टायर हो गया, और तीसरी चीज़ होगी टायर के अंदर, अगर ट्यूब वाला टायर है तो टायर के अंदर ट्यूब, या ट्यूबलेस टायर है तो जो नोजल या एयर वाल्व हम फिट करते हैं रिम में। ये तीनों पार्ट्स को मिलाकर जो एक असेंबली तैयार होती है, उसे कहेंगे हम व्हील। अब व्हील अलाइनमेंट हो गया हमारा कि व्हील को एक डायरेक्शन देने के लिए उसके जो एंगल हमें हम सेट करते हैं, जिससे उसमें फ्रिक्शन कम हो, गाड़ी पर लोड कम हो और गाड़ी का एवरेज भी अच्छा रहे, टायर की लाइफ भी ज़्यादा मिले और हमें हैंडलिंग भी अच्छी रहे। उसी तरह से व्हील बैलेंसिंग क्या है, तो व्हील बैलेंसिंग की बात करें तो व्हील में जो एक तरह से व्हील बैलेंसिंग को वेट बैलेंसिंग भी कहते हैं, तो व्हील में जो चारों तरफ वेट होता है वो चारों तरफ वेट इक्वल रहे, व्हील के चारों तरफ वेट को इक्वल करना ही व्हील बैलेंसिंग या वेट बैलेंसिंग कहते हैं। अब इसको जो है एक व्हील बैलेंसर मशीन से किया जाता है, जो कंप्यूटराइज होती है, और उसमें कंप्यूटर के हिसाब से कितना वेट कहाँ लगना है, कितना अंदर लगना है, कितना बाहर लगना है, ये उसमें काम होता है व्हील बैलेंसिंग में। अब व्हील बैलेंसिंग से क्या फ़ायदा होता है, तो जैसे व्हील अलाइनमेंट से हमारा टायर घिसना बंद होता है या टायर घिसना कम होता है और हैंडलिंग अच्छा रहता है, उसी हिसाब से व्हील बैलेंसिंग अच्छा रहने से हमारा जो टायर की लाइफ भी अच्छी रहती है, प्लस जो हमारा सस्पेंशन है वो भी सही रहता है। क्योंकि अगर हमारा व्हील बैलेंस नहीं रहेगा, व्हील में जो वेट इक्वल नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, तो उसकी जो स्पीड है वो सही से नहीं रहेगी, वो जर्क लेगा और जर्क लेगा, और वो जो वाइब्रेशन आएगी वो वाइब्रेशन हमें फील होगी, उससे हमारी हैंडलिंग भी खराब होगी। तो व्हील बैलेंसिंग से हम गाड़ी की बबलिंग या वाइब्रेशन को बंद करते हैं, और वो होता है व्हील बैलेंसिंग के जरिए। तो व्हील बैलेंसिंग का जो पार्ट है, ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग की सर्विस में। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले गाड़ी में जैक लगाया जाता है, यानी गाड़ी को लिफ्ट किया जाता है टायर खोलने के लिए। और उससे पहले अगर गाड़ी के नट हम लूज कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि नट लूज हो जाता है तो आराम से इजीली हमारा जैक लगी हुई गाड़ी पर जो नट है वो खुल जाते हैं। तो नट को खोल कर, ये जो नट लगे हुए हैं इनको खोल कर व्हील को बाहर निकाला जाता है, व्हील का एयर प्रेशर चेक किया जाता है, व्हील का रिम कहीं ख़राब तो नहीं है वो चेक किया जाता है, कहीं अगर बैंड है तो उसको ठीक किया जाता है। नॉर्मली स्टील रिम होता है तो हम उसे हैमर के
चोट से सीधा कर देते हैं, लेकिन जो एलॉय व्हील है उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है सीधा करने का। इसके बाद टायर्स की कंडीशन को चेक करते हैं, टायर कहीं फूला हुआ तो नहीं है, कहीं से कट तो नहीं है, कहीं पंचर तो नहीं है, ये सारी चीज़ चेक करके और उसको साफ़ करके व्हील बैलेंसिंग मशीन पर लगाया जाता है। व्हील बैलेंसिंग मशीन क्या है? व्हील बैलेंसिंग मशीन में एक शाफ्ट लगी रहती है जो उसको एक मोटर के द्वारा रोटेट किया जाता है, शाफ्ट को उसमें व्हील को फिट किया जाता है और उसमें एक कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन लगी रहती है। तो व्हील को मशीन में लगाने के बाद व्हील का साइज लिया जाता है, चौड़ाई कितनी है, डाया कितना है, ये सारी चीज़ उसमें फीड करके फिर उसको रोटेट किया जाता है और रोटेट करने के बाद जो कंप्यूटराइज्ड हमारा वेट आता है स्क्रीन पर बाहर की तरफ लगाने के लिए या अंदर की तरफ लगाने के लिए, वो हम लगाते हैं। वेट, वेट किस तरह का होता है? जैसे किसी में अगर स्टील रिम है तो आपने ये इस तरह से ये वेट देखा होगा, जो एक टिकली सी लगा देते हैं, वो एक तो वेट ये हो गया जो एक ठोकने वाला वेट है, हैमर से इसको ठोकते हैं। दूसरा वेट स्टिकर वेट होता है, जो हमारे जो एलॉय है उसमें अगर ठोकने का कहीं जगह नहीं है, उसकी जो बनावट है वो इस तरह की है कि उस पर वेट ठोका नहीं जा सकता है, तो उसको स्टिकर वेट लगाते हैं, स्टिकर वेट को चिपका जाता है। तो ये स्टिकर वेट ऐसे लगाए जाते हैं इस तरह से। ये करने के बाद दोनों तरफ वेट लगाया जाता है जिससे हमारा जो व्हील है वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस कैसे होता है? जैसे मान लीजिए अगर इस व्हील में यहाँ पर वेट ज़्यादा है तो कंप्यूटराइज्ड जो मशीन है वो इसको रोटेट करके उसका मेजर करके सारा डाया क्या है, साइज क्या है, और उसका कैलकुलेशन करके उसका वेट का वो निकालती है कि भाई इधर ज़्यादा वेट है तो उसके सामने एक अपोजिट वेट बताती है मशीन, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी बताती है। तो उसके बाद हमें वेट लगाना होता है जिससे चारों तरफ व्हील में वेट इक्वल हो जाता है। तो ये है व्हील बैलेंसिंग का प्रोसेस। तो वैसे व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट इस तरह की काफ़ी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें भी ये आपको जानकारी मिल जाएगी। और कुछ जानकारी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से देनी चाहिए आपको। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।